कुख्यात छोटे सरकार की पटना में हुई पेशी के दौरान हुई हत्या के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। दानापुर कोर्ट में बीते शुक्रवार को अभिषेक उर्फ छोटे सरकार की हत्या हुई थी। उसे पटना के बेउर जेल से दानापुर कोर्ट लाया गया था। इसी दौरान दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में छोटे सरकार छलनी हो गया और उसकी वहीं मौत हो गई। पुलिस सुरक्षा के बाद भी हुई इस घटना के पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया। वहीं घटना में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने तुरंत धर दबोचा और उनके पास से दो हथियार भी बरामद हुआ है। घटना के अगले दिन यानी कि शनिवार को पटना पुलिस ने दानापुर कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी। कोर्ट परिसर में आने जाने वाले हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है जो कोर्ट परिसर में आ जा रहा है, यहाँ तक कि उनके सामान की भी बारीकी से तलाशी ली जा रही है। जो कल दोनों अभियुक्त घटना स्थल पर पकड़ाए थे, इसमें से एक अभियुक्त का अभी तक इलाज चल रहा है। पूछताछ में जो सारी बात सामने आई है कि इस पूरी आपराधिक साजिश जो है मुजफ्फरपुर में रची गई थी और घटना के एक दिन पहले दोनों अभियुक्त जो है वो आके राजीव नगर के पास एक होटल में रुके थे और उसके बाद अगले दिन सुबह उन्होंने होटल छोड़ा था और होटल छोड़ने के बाद ये गंगा पथ पर जाकर एक जगह उनको एक दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल अभियुक्त था वो मिला था। उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके द्वारा उनको हथियार उपलब्ध कराया गया था और फिर जो फोर व्हीलर गाड़ी से उनको कोर्ट न्यायालय परिसर में छोड़ा गया था। उसके बाद घटना करने के बाद वहाँ एक मोटरसाइकिल भी उसी व्यक्ति द्वारा खड़ी की गई थी और उसी मोटरसाइकिल से इन लोगों को भागना था, लेकिन इसी बीच इन लोग हथियार के साथ गिरफ्तार हो गए। तो पूरी है इसमें पूछताछ के क्रम में जो षड्यंत्रकर्ता है उस लोगों का नाम भी जो है दोनों अभियुक्तों ने बताया है। टोटल जो बात हुई थी वो अभी से पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि 12 लाख रुपए कुल फिरौती की रकम देने की बात हुई थी, अरे कुल जो पैसा देने की बात हुई थी, जिसमें से 2 लाख रुपए इन लोगों को दिया गया था और 10 लाख रुपए और देने की बात हुई थी। अभी तक के अनुसंधान में इन दो अभियुक्तों के अलावा 4 अन्य लोगों की भूमिका आई है, उसमें से 3 लोगों की पहचान हम लोग कर चुके हैं। एक अभियुक्त की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी पहचान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने कोई बाप बेटा का गिरोह भी है इसमें? नहीं, वही इसमें जो मनोज और मानिक हैं जो पूछताछ के क्रम में बात आई है कि जो मृतक है इनकी इसके विषय में उन लोगों को ये अंदेशा था कि इसने उन लोगों की हत्या की सुपारी ले रखी और जेल से निकलने के बाद उसकी हत्या उन दोनों की हत्या ये कर सकता था। अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है, बाकी आगे अनुसंधान अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है और कुछ बात पता चलेगी। कितना दिनों सर रेकी कर रहा था इसके लिए? देखिए डिटेल अभी क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है और कई एविडेंस हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हम लोग कर ही रहे हैं। एक अभी उसमें से जो है अभी इलाजरत ही है, इसलिए बहुत डिटेल अभी हम डाइवर्ज स्टेज पे नहीं करना चाहते क्योंकि उससे साक्ष्य नष्ट होने का खतरा है, लेकिन जैसे ही सारा एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे आप लोगों का। पटना के दानापुर कोर्ट में शुक्रवार के दिन एक कुख्यात अपराधी छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह की हत्या कर दी जाती है। इस मामले को जांच करने के बाद SSP राजेश मिश्रा ने बताया कि छोटे सरकार पहले से ही सुपारी किलर रहा है। उसके बाद छोटे सरकार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, उसकी हत्या करवाई जाती है। हत्या में दो अभियुक्त गिरफ्तार भी होते हैं, एक अभियुक्त को उनके ही हथियार से उसके पैर में गोली भी लगती है। पूरे मामला की जानकारी देते हुए SSP राजीव मिश्रा ने कहा कि दोनों अपराधी जो छोटे सरकार को मारने आए थे पटना के राजेंद्र नगर के होटल में ठहरे थे। होटल से निकलने के बाद उन्हें फोर व्हीलर से मेरिन ड्राइव पर लाया जाता है और वहां से उन्हें हथियार दिया जाता है। हथियार लेकर कोर्ट परिसर के बाहर उन्हें छोड़ दिया जाता है और पहले से ही हत्या के बाद उसे फरार करने के लिए कोर्ट परिसर के अंदर में मोटरसाइकिल का इंतज़ाम किया गया था। हालांकि मामले का खुलासा करते हुए SSP राजीव मिश्रा ने यह भी बताया है कि छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह अगर जेल से छूटता तो पहले से उसे फिर से एक दूसरे व्यक्ति मानिक को मारने के लिए कहा गया था। मरने के डर से मानिक ने ही छोटे सरकार को हत्या करवाने की साजिश रची और छोटे सरकार की हत्या कर दी गई। हालांकि मानिक जो है उसके साथ छोटे सरकार की कैसी दुश्मनी थी, अभियुक्त जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में और भी कई खुलासे किए जा रहे हैं। मानिक के पास तक पुलिस पहुंचती है और किस तरह की इनकी दुश्मनी थी जिसके कारण छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह की हत्या की गई, एक बड़ा सवाल है। पटना से पंजाब केसरी TV के लिए संजीव की रिपोर्ट।